नमस्ते, वेलकम टू द हेल्दी लाइफस्टाइल। आज हम सीखेंगे कि बालासन किस प्रकार करते हैं। बालासन करने से पहले इसके फायदे हम जरूर जानेंगे। बालासन एक स्ट्रेस रिलीजिंग आसन है, ये आपके बॉडी को रिलैक्स करता है। इस पोजीशन में, कर्व्ड पोजीशन में, जैसे कि एक बच्चा माँ के गर्भ में बिल्कुल कर्व्ड होता है, उसी तरह ये आसन हम करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल कर्व्ड होती है, इसीलिए इसे बालासन कहते हैं। योगा करते वक्त, किसी भी वक्त अगर आपको शरीर में कहीं भी तान तनाव महसूस हो तो किसी भी वक्त आप बालासन की अवस्था में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स को थोड़ी मसाज मिलती है। आपका शरीर आपके घुटनों के साथ क्लोज होता है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है। आपके बैकबोन को स्ट्रेच होने के कारण ये बैकबोन को रिलैक्स करता है, हाथों को स्ट्रेच करने के कारण हाथों को रिलैक्स करता है, और क्योंकि हमारे घुटने और पैर मुड़े हुए होते हैं तो ये काफ मसल्स को भी रिलैक्स करता है। आइए देखते हैं कि बालासन किस प्रकार किया जाता है। बालासन के लिए अपने योगा मैट पर वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अब लंबी सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हाथों को जोड़ना नहीं है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को मैट पे ले आए। ध्यान रहे आपको हिप्स से झुकना है, कमर से नहीं। हाथों को मैट पे रिलैक्स करें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। सिर को मैट पे टिकाएं। नॉर्मल गति से सांस ले। इस स्थिति में 30 सेकंड से 5 मिनट तक रुक सकते हैं। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आए और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए, वज्रासन की स्थिति में आ जाए। बालासन एक स्ट्रेस रिलीजिंग आसन है, ये आपके शरीर को रिलैक्स करता है। पर यह आसन किन्हें नहीं करना चाहिए। इस आसन में हम घुटनों के बल पर बैठते हैं। हमारे शरीर का वजन घुटनों पे आता ही है, इसीलिए जिनको नी इंजरी है वो ये आसन ना करें। ऐसा कहते हैं कि गर्दन के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। किसी को सर्वाइकल पेन है तो इस आसन से वो पेन कम होता है, पर अगर किसी को बहुत ही सीवियर नेक पेन है तो वो इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। अगर आपको लोअर बैक इंजरी है या हिप्स में सूजन है तो आप इस आसन को ना करें, क्योंकि इस आसन में बैक भी स्ट्रेच होती है। जब आप तंदुरुस्त महसूस करें तभी आप इस आसन को करें। इसमें शोल्डर्स को हम जमीन की तरफ हल्का हल्का दबाते हैं और आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं। तो अगर आपको जरा सा भी शोल्डर में पेन महसूस होता है तो आप इस आसन को ना करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच।